वोटों की अपील करने के लिए आए केंद्र में मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित पृथला क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई नैनपाल रावत जी, भाजपा के पूर्व में यहां से प्रत्याशी रहे मेरे बड़े भाई सोनपाल सिंह जी, भाई बलदेव जी, सुखबीर जी, दीपक जी, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता बड़े भाई विनोद भाटी जी और सम्मानित मंच मेरे सामने उपस्थित निरियाला गांव की समस्त सरदारी मातृशक्ति बुजुर्ग युवा साथी, आप सबके बीच में माननीय मंत्री जी बताएंगे कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश के प्रदेश के सम्मान को बढ़ाया, विकास कराया। मैं तो माननीय मंत्री जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो कुछ प्रमुख काम कराए हैं विकास के, उनकी अगर बात करूं तो माननीय मंत्री जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह से विकास के काम किए हैं कि जैसे पहले हम सुनते थे कि रोहतक साइड में और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े नेताओं के नाम सम्मान के साथ लिए जाते थे, उस तरह से फरीदाबाद का मान सम्मान पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे सभी। आदरणीय साथियों, जब विपक्ष दुष्प्रचार करता है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऐसे काम किए हैं जो कभी भी कोई सांसद आज से पहले नहीं कर पाया। इस फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनवाया, पूरे देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जिनको चिन्हित किया, फरीदाबाद उनमें से एक है। स्मार्ट सिटी के तौर पर आज फरीदाबाद डेवलप हो रहा है, ये हमारे आपके लिए बहुत सम्मान की बात है। फरीदाबाद के अंदर हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के दूधौला गांव के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ जमीन में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जहां से लगभग 15,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। वहां पे स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी होगा, वहां पे अर्न फॉर लर्न की तर्ज पे वहां पे जितने भी कोर्स है वो है, साथ के साथ पैसा भी मिलता है, उसको कोर्स भी होता है, फिर बाद में रोजगार भी मिलता है। माननीय मंत्री जी ने बदरपुर बॉर्डर से लेकर होटल बॉर्डर तक नेशनल हाईवे के ऊपर पुलों का अंबार लगा दिया। रेलवे फाटक पर घंटों हम लोग खड़े रहते थे, ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनाकर रेलवे फाटक के जाम को खत्म करवा दिया। पलवल के अंदर घंटों जाम में हम फंसे रहते थे, वहां 200 करोड़ रुपए की एलिवेटेड पुल बनवाकर 200 करोड़ रुपए की लागत से और फर्राटे भरते हुए वहां से हम निकल जाते। मझावली के पुल को जो कांग्रेस पार्टी लगभग 25-30 साल में बार बार पत्थर लगा करके नहीं बना पाई थी, माननीय मंत्री जी ने कोरोना काल होने के बावजूद 2-3 साल जिससे में हमारे खराब हुए उसके बावजूद वो मझावली का पुल आज बनकर तैयार है, सिर्फ एप्रोच जोड़ने बाकी रह रही है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे लगभग 1387 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, 1,00,000 करोड़ रुपए जिसकी लागत है, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे हमारे फरीदाबाद से निकलवाया, जिसके कारण हमारे किसानों की जमीन बढ़ी, हमारे यहाँ पे निवेश आएगा, उद्योग धंधे पनपेंगे। इसी तरह से जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे, मुझे ध्यान है जब जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा था, जब वहां मंजूरी मिली थी माननीय मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री से उस समय मनोहर लाल जी उनको साथ में लेकर नितिन गडकरी जी से मुलाकात की और उसका स्पेशल हमारे फरीदाबाद से उसका लिंक जुड़वा के जेवर एयरपोर्ट वाला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, उसका निर्माण आज चला हुआ है, लगभग 2 साल के अंदर वो बनके कंप्लीट होगा। कितनी जमीन के रेट हमारे यहाँ के बढ़ेंगे, कितना हमें फायदा उस एक्सप्रेस वे के बनने से मिलेगा। बल्लभगढ़ तक मेट्रो का पैसा हमारी सरकार ने दिया, पलवल तक मेट्रो मंजूर होगी, उसका डीपीआर का काम चला हुआ है। नहर पार एरिया को कनेक्ट करने के लिए नहर पे पुलों का अंबार लगा दिया। महिलाओं के लिए महाविद्यालय हमारे मोहना में बना, सेक्टर 3 में बना, नचोली में बना। मेरे पास तो कामों की बहुत सारी लिस्ट है, दिनेंद्र भाई कह रहे समय कम है, क्योंकि टीवी डिबेट में सरकारी योजना और खासतौर पर मंत्री जी के ऊपर भी जी न्यूज पे डिबेट थी, कांग्रेस के प्रवक्ता को चक्कर आगे दे तेरे काम हमने माननीय मंत्री जी के गिनवा दिए। मेरे पास पूरे 50 कामों की माननीय मंत्री जी की लिस्ट है। माननीय मंत्री जी ने इतना काम किया है कोई सांसद कर नहीं सकता, पूरे रिकॉर्ड के साथ माननीय मंत्री जी को यहां से हम चिता के भेजेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन, आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबा करके माननीय मंत्री जी को मजबूत करिए, क्योंकि इनकी वजह से हम सबका सम्मान बढ़ेगा। आप सब यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी।